और सैफई से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीधी तस्वीरें सैफई से आ गई हैं, जहां पर शांति हवन शुरू हो रहा है। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव, तमाम नेता मौजूद हैं और जो शांति हवन की तैयारियां हैं वो पूरी हैं और उसको लेकर सुरक्षा बलों की भारी संख्या में तैनाती भी है। कुछ देर में शांति हवन शुरू होने वाला है, क्या कुछ होगा हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है, कृष्णा बता रहे हैं, देखिए। नेताजी की कोठी के सामने समय मौजूद हैं, लगातार जो नेताजी के चाहने वाले हैं लगातार आज नेताजी के कोठी पे पहुंच रहे हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के और जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो लगातार सैफई में स्थित नेताजी के आवास पे यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और हम आपको बता दें कुछ समय में शांति हवन पाठ शुरू किया जाएगा और सुरक्षा की दृष्टिगत से देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी चौक चौबंद है, चारों तरफ देखा जाए जो पुलिस के जवान खड़े हैं, बैरिकेटिंग लगाई गई है और लोगों को धीरे धीरे एंट्री मिल रही है और नेताजी की कोठी के अंदर काफ़ी संख्या में कुर्सियाँ लगाई हैं, काफ़ी बड़ा पंडाल बनाया गया है और लोग धीरे धीरे नेताजी की कोठी पे पहुंच रहे हैं और कुछ समय बाद शांति हवन पाठ किया जाएगा। हम आपको बता दें कि यहाँ पे सैफई में 13वीं का कार्यक्रम नहीं होता है और जो काफ़ी समय से सैफई में 13वीं का कार्यक्रम नहीं होता है क्योंकि नेताजी ने ही इसकी शुरुआत की थी और आज उसी को देखते हुए सैफई में 13वीं न करके नेताजी का शांति हवन पाठ किया जा रहा है और उस शांति हवन पाठ में शामिल होने के लिए जो नेताजी के चाहने वाले हैं लगातार पहुँच रहे हैं। हम बता दें कि ये सिलसिला लगातार VVIPs का जारी रहा है। नेताजी के अंतिम संस्कार के बाद लगातार कई स्टेट के वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ नेताजी को अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुँचे थे और लगातार आज भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कई VVIP यहाँ आने की संभावना है, इस हवन पाठ में शामिल होने की संभावना है, कई VVIP आएंगे। और हम आपको बता दें कि लगातार जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और जो नेता हैं जो नेताजी को चाहने वाले हैं लगातार उनकी कोठी पर पहुँच रहे हैं और कुछ समय बाद शांति हवन पाठ की शुरुआत होगी कुछ और। लेकिन जो हम बता दें जो आने का सिलसिला है और कल शाम से ही लगातार लोग यहाँ सैफई में पहुँच रहे हैं, सैफई में डेरा बनाए हुए हैं, उस शांति हवन पाठ हम आपको अंदर का दृश्य दिखाते हैं, अंदर का कित काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे हैं। ये नेताजी के कोठी का गेट खुल रहा है और आप देख सकते हैं कि जो VVIP हैं कोठी के अंदर जा रहे हैं, गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं और लोग अंदर जो उनके चाहने वाले हैं लोग अंदर पहुँच चुके हैं और कुछ ही समय बाद नेताजी के लिए शांति हवन पाठ किया जाएगा। और हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी नेताजी की अस्थियां विसर्जित करने के लिए हरिद्वार गए थे, उसके बाद प्रयागराज गए थे, तो आज नेताजी के लिए शांति हवन पाठ किया जा रहा है। इस हवन पाठ में शामिल होने के लिए नेताजी को चाहने वाले काफ़ी दूर दूर से, उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के कोने कोने से आज इस शांति हवन में पाठ में शामिल होने के लिए सैफई स्थित नेताजी के कोठी पे पहुंच रहे हैं और काफ़ी संख्या में जो सुबह से हम एक भीड़ का सिलसिला देख रहे हैं, सुबह से ही कतारबद्ध लगाकर लोग कोठी पे पहुंच रहे हैं। तो आज नेताजी के लिए शांति हवन पाठ किया जाएगा और उसके बाद जो उनके चाहने वाले हैं आने से पहले नेताजी के जो समाधि है जहाँ नेताजी का अंतिम संस्कार किया गया था वहाँ पे पहुँच रहे हैं, नेताजी को वहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं, यहाँ पे भी नेताजी की प्रतिमाएं लगाई गई हैं, यहाँ पे भी पहुँचकर नेताजी को फुल पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि देके उन्हें प्रणाम करके तब वहाँ से निकल रहे हैं। और उसके बाद हम आपको बता दें कि हवन पाठ शुरू होने में कुछ ही समय बाकी है, कुछ ही समय बाद शांति हवन पाठ शुरू किया जाएगा।